नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप अपना यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, तो आप सेकेंड टू वेरिफिकेशन आप वहाँ पे जानते होंगे, यानी कि स्टेप टू वेरिफिकेशन जो है हर यूट्यूबर को कराना होता है। पता नहीं आप कराए हैं या फिर नहीं कराए हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लंबा चलना चाहते हैं, आप अपने चैनल को जो है बिल्कुल आप वहाँ पे हैकर से सेफ होकर रखना चाहते हैं, तो प्राइमरी आपको नीड ये हो जाता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल का स्टेप टू वेरिफिकेशन सक्सेसफुल जरूर कराइए। इससे होता क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं और इसी वीडियो में आपको आखिरी में दिखाएंगे लाइव कि कैसे आप अपने चैनल का स्टेप टू वेरिफिकेशन आप अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी क्यों हो जाता है ये आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप अपने YouTube चैनल पे, जिस YouTube चैनल से आप Gmail से आप जो चैनल बनाए हुए हैं, तो मान लीजिए आप अपने YouTube चैनल पे जाके आप साइन इन करते हैं, तो कोई भी OTP का डिमांड नहीं किया जाता है, यानी कि आसानी से आपका चैनल जो है लॉगिन हो जाता है। लेकिन अगर आप वही दूसरे कंप्यूटर या फिर किसी दूसरे के मोबाइल पे जब जाकर आप लॉगिन करेंगे और स्टेप टू वेरिफिकेशन अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में लगा देते हैं, तो होगा क्या कि जो मोबाइल नंबर आप वहां पे डाले हुए रहेंगे, तो अगर मान लीजिए हम आपके जीमेल को अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पर ओपन करने का सोचेंगे, तो वो तुरंत जो है एक OTP डिमांड करेगा। और ध्यान रखिए, वो OTP उसी मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है जो मोबाइल नंबर आप डाले हुए रहेंगे। तो अगर दूसरा कोई व्यक्ति भी अगर आपके जीमेल को लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो तुरंत आपके पास गूगल की तरफ से एक OTP आएगा और गूगल आपसे पूछेगा भी कि क्या इस डिवाइस पे जो है आपके जीमेल को ओपन करने की कोशिश किया जा रहा है, ये आप खुद हैं या फिर कोई और है। तो इस तरीके से आप हैकर से जो है खुद को भी आप सेफ रख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने चैनल को बिल्कुल वहाँ पे सेफ रख के लंबा आप चला सकते हैं। तो इसलिए यूट्यूब की तरफ से स्टेप टू वेरिफिकेशन यहाँ पे लेकर आया गया कि आप अपने चैनल को हैकर से बिल्कुल आप सेफ रख लीजिए। और जैसे ही देखिए, यानी कि जैसे ही आपके मोबाइल पर OTP आए और आप खुद अपने ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं किए हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो आपके जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने का जो है प्रयास कर रहा है। और वहाँ पे वो हैकर कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा हैकर क्यों नहीं हो, जब तक OTP उसको नहीं मिलेगा तब तक वो आपके चैनल को हैक नहीं कर सकता है। इसलिए हर यूट्यूबर के ये ज़रूरी हो जाता है कि स्टेप टू वेरिफिकेशन वो सक्सेसफुल जरूर कराए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आखिर किसी भी यूट्यूबर के लिए स्टेप टू वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है। ये यूट्यूब के तरफ से जो है क्रिएटर्स को इसलिए ये बेनिफिट दिया जाता है, या फिर ये जो फीचर है स्टेप टू वेरिफिकेशन इसलिए हर क्रिएटर्स को यूट्यूब लेकर दे रहा है, ताकि आप हैकर से आप अपने चैनल को कैसे जो है सेफ रख सकते हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहाँ लाइव स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाते हैं कि स्टेप टू वेरिफिकेशन कैसे आपको अप्लाई करना है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर जो है आप स्टेप टू वेरिफिकेशन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप अपने चैनल को बिल्कुल हैकर से आप वहां पे सेव करके लंबा जो है आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं। देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है और इस पर स्टेप टू वेरिफिकेशन अप्लाई करके हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जितने सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, जितना सारा यूट्यूब चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है जिसका अभी तक स्टेप टू वेरिफिकेशन सबमिट नहीं हुआ है, उसके सभी यूट्यूब चैनल पे चैनल डैशबोर्ड पे ही यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चलाया जा रहा है। जैसे देख सकते हैं, आइडियाज फॉर यू, प्रोटेक्ट योर चैनल, योर अकाउंट इज सेट ग्रेटर रिस्क टू अटैक विदाउट टू स्टेप वेरिफिकेशन, टर्न इट ऑन और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है और यहीं से जो है आपको अपने चैनल में स्टेप टू वेरिफिकेशन सेट करता है। स्टेप टू वेरिफिकेशन का फायदा क्या है वो हम आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे। ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ये आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन कोड आप अपने चीज़ों में सेट कर सकते हैं फ़ोन नंबर के द्वारा, और ये हैकर से जो है आप अपनी चीज़ों को आप बचा सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सेफ जो है रख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है, गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन है इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे जो है जीमेल अकाउंट डायरेक्ट है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। तो पासवर्ड सिर्फ आप डाल दीजिए और डालने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके आगे का प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे दिखाता है जो हमें यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो देखिए, स्टेप टू वेरिफिकेशन, यहाँ पे नॉर्मली वही मोबाइल नंबर आता है जो मोबाइल नंबर जिस समय आप यूट्यूब चैनल बनाए थे वो वाला। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, ये इसी नंबर को रहने देते हैं। और यहाँ पे दो आपको ऑप्शन मिलता है, हाउ डू यू वॉन्ट टू गेट कोड्स, कोड आप मैसेज के द्वारा लेंगे या फिर फ़ोन के द्वारा। तो हम मैसेज के द्वारा लेंगे, तो मैसेज वाले ऑप्शन पे रहने देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं और जो नंबर हम डाले हुए हैं उस पर मेरा जो है कोड आ चुका है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड जो है डालकर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर जाके हम क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल ईजी है, आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इट वर्क,
टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन। बिल्कुल स्टेप टू वेरिफिकेशन जो है मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, सिर्फ टर्न ऑन का जो ऑप्शन है उस पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे मेरे यूट्यूब चैनल का जो स्टेप टू वेरिफिकेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अप्लाई जो है हो चुका है, और ये जो हम नंबर डाले हुए थे स्टेप टू वेरिफिकेशन ये किस डेट को किया गया है ये दिखा रहा है, और साथ ही साथ ये मेरा जो नंबर है वो किस मोबाइल में लगा हुआ है ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। तब इसके आगे होगा क्या कि आपका जो भी जीमेल अकाउंट है उसको जब आप दूसरे डिवाइस पे जाके लॉगिन करेंगे, या फिर अदर कोई व्यक्ति जो है अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे आपके जीमेल को या फिर आपके यूट्यूब चैनल की ओपन करने का कोशिश करेगा, तो तुरंत वो गूगल जो है आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड भेजेगा ताकि आप चेक कर लीजिए। अगर आप खुद जो है अपने ईमेल को ओपन कर रहे हैं तब तो उस कोड को द्वारा जो है ओपन कर लीजिए, और अदरवाइज अगर आप नहीं ओपन कर रहे हैं तो कम से कम आपको इतना ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कोई अदर व्यक्ति है जो आपके जीमेल को जो है ओपन करने की कोशिश कर रहा है, और कोई से कोई बड़ा हैकर्स होगा वो विदाउट ओटीपी के जो है आपके यूट्यूब चैनल को या फिर आपके जीमेल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता है। और इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल में स्टेप टू वेरिफिकेशन अप्लाई करने के बाद जो है आप अपने चैनल को बिल्कुल हैकर से जो है सेव करके आप रख सकते हैं।